मैं तो भाई अपना सेफ्टी देखूंगी ना, मैं क्या गलत बोली? अगर मैं आप फेयर देने में नहीं बनता है तो आप मुझे आके रिसीव कर लेना। मुझे पता है राजा बाबू कि आप बहुत बड़े कोरियोग्राफर हो और हम कुछ नहीं है। और हाँ, मैं ट्रेंडिंग स्टारों के साथ काम करके आज मेरा थोड़ा बहुत नाम हुआ है। मुझे तो आता ही नहीं है कुछ। ऐसे ही झूठों का भराई करते हो आप कि मधु को बताना नहीं है, मधु ये चीज कर लेगी। मैंने एक समय ऐसा था ना कि मैं सेट पे पहुंच गई और सबको नींद से उठाई, रात भर शो शूट करने के बाद, कि उठिए गाना करना है, करके देना है इतना जल्दी, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को एक फैमिली मानती हूँ और यहाँ पे सब लोग मेरे अपने हैं। मैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहती हूँ। आपको अगर इतना प्रॉब्लम है तो आप बोलते कि बाबू इतना ही पेमेंट मिला है, अगले बार से ले लेना या थोड़ा बहुत कम ले लो। आप ये अपना क्या दिखाए ये कि आप डायरेक्ट एकदम लाइव आके बोल दिए। मधु को जो लोग जानते हैं वो लोग जानते हैं, और सारे सिंगरों को पता है कि मधु का नेचर क्या है। और जो लोग सच्चे इंसान है वो मधु को जानता है कि मधु कैसी है। मधुर को पॉलिशिंग करना नहीं आता है। मैं रात भर ठंडी में जगने के बाद मेरा आवाज इतना बैठ चुका है और मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। मेरे आंखों में नींद है। मैं अगला दिन यूपी में से आई, कल फिर आ रहा गई। मेरा लगातार कार्यक्रम था और ये चीज सफर में मुझे पता चला। आप मुझे बहन बोलते हो, मेरा सिस्टर है, और सिस्टर को कोई ऐसे ही गाली देता है? जो रिश्ता बनाने के बाद उसको बना के रख नहीं पाओगे ना, तो वैसा रिश्ता बनाओ ही मत ना। कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में, जो बोलना है मुंह पे बोलिए। मुंह पे क्यों नहीं बोलते आप? आप ही लोग बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। क्या मेरा पेमेंट मांगना गलत है? क्या मॉडलों का पेमेंट बढ़ना नहीं चाहिए? क्या यूनिट के सारे लोग, जो साउंड मैन है, जो लाइट मैन है, जो कोरियोग्राफर है, उन लोगों का पेमेंट नहीं बढ़ना चाहिए? ममता तिवारी दी, क्लियर कर दो। पहले का इतना बजट होता था, पहले के इतना काम करता था, आज के डेट के साथ आप पहले का डेट का वो तुलना कर रहे हो। पहले का डेट में कोरियोग्राफर लोग जितना मेहनत करके गाना शूट करते थे, उतना मेहनत करके आज के डेट में गाना शूट होता है क्या? मुझे आपका इतना सवाल का जवाब देना ही नहीं है राजा भैया। मैं
सीरियसली अब से बहस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे गार्जियन का रिस्पेक्ट करना आता है और मैं आपका लैंग्वेज से बड़ी दुखी होके मैं लाइव आई हूँ। और अपने दर्शकों से ये क्लियर करना चाहती हूँ, क्या मॉडलों का पेमेंट बढ़ना नहीं चाहिए? क्या हमेशा इंडस्ट्री के फीमेल कलाकार हमेशा शोषण होते आएगी? झूठ सर, जिसको यूज़ कर लेके आप लोग अच्छे से एकदम हर वीडियो में दिखा देना है, यूज़ कर लिए उसके बाद उसका शोषण हो गया और शोषण करके उसको उल्टा पुल्टा डिप्रेशन देके फेंक देना है। कब किस टाइम आप लोग क्या बोलते हैं ना, आप लोगों को खुद ही नहीं पता होता है। हाँ हूँ मैं एक डांसर और ये गर्व के साथ कहती हूँ मैं। डांस सरस्वती का देन है, जैसे संगीत सरस्वती माता का देन है ना, डांस सरस्वती नटराज का देन है। और ये मत भूलिएगा कि माधुरी दीक्षित भी एक बहुत अच्छे डांसर है जो आज बहुत उनके बहुत नाम है, उनके उनके बहुत चर्चे हैं, वो इतना हाईलाइटेड है उनके डांस के वजह से। एक्टिंग तो है ही, तो डांस को इतना नीचे आंखों से देखा मत करो। डांसर लोग डांस करती है ना सिंगर के साथ, तब जाके स्टेज फुल दिखता है, बड़ा बड़ा सा दिखता है, फुल फील होता है। बिना डांसर का कोई स्टेज लाइव प्रोग्राम होता है क्या? डांसर वो लोग भी है, डांस का रियलिटी शो होता है तो वो डांसर है। डांसर का नाम लो मतलब क्या है? इतना चीप मेंटेलिटी वाला बात इंडस्ट्री में रहते हुए अगर आप कहते हो तो बाकी बाहर के लोगों से तो कुछ आशा ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वही लोग अच्छी हैं कि जो लोग बटर पॉलिश करें, जो लोग मुंह पे अच्छे और पीठ पीछे बुराई करें। गाना मधु इसीलिए सुनती है ना कि गाना का हर लिपसिंग मधु को याद रहे, मधु को उसका वर्ड समझ में आए। और आपको अगर मेरे नाम पे उल्टा फुल्टा बोलना है ना तो आप प्लीज़ लाइफ से हट जाओ। धमकी देते हो कि पटना में रहने देंगे, नहीं देंगे बेटा, मर मरा जाओगे। एक अकेली लड़की हो के आप धमकाते हो? बंगाल और बिहार का वो तफा तफ ला रहे हो ना, वो आप ही ला सकते हो, आप ही लोग जैसे लोग ला सकते हैं। देश के बाहर से आए हैं क्या? विदेश से आए हैं हम? आप धमकी दे रहे हो, बैकआउट कर देंगे।
और सही में आज तो मुझे डर लग रहा है कि आज ना जाके अगर मुझे कुछ हो जाए तो शायद आप ही करवाओगे। पेमेंट सारे मॉडलों का भरना चाहिए, वो लोग बोल नहीं पाता है, कहीं आप लोग काम में ना बुलाना बंद कर दो, उन लोगों का मजबूरी होता है 2000 में काम करना। और आप ही का क्यों हमेशा सबसे सबसे थोड़ा 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 कुछ कुछ चीजों के लिए लगा हुआ रहता है? खाली आप अकेले तो कोरियोग्राफर हो नहीं कि जिसको मैंने बोला कि मुझे 3.5 पे पेमेंट चाहिए और प्लस फेयर चाहिए। ठीक है, आप जितना पेमेंट दोगे उतने में काम करेंगे, दो ढाई हजार में ही काम करेंगे। ड्रेसअप अपना दे दो, हिंदी और बंगाली जैसा और दूसरे दूसरे एल्बम्स और दूसरे इंडस्ट्री के जैसा आप कॉस्ट्यूम दो, आप गेटअप दे दो। हमेशा ये हमेशा से होते रहता है और बहुत लोग लाइव आता है, आज जाके रीजन पता चलता है कि क्यों आदमी सुसाइड करता है, क्यों आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। मैं अभी भी बोल रही हूँ आपसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, आपको नहीं बुलाना है तो कम पे मत बुलाना मुझे। मैं तो अपना सेफ्टी देखूंगी ना जी कि मुझे कौन गाना अच्छा लग रहा है, अब या कोई भी गाना जाके सेट पर चली जाऊंगी और कैमरा प्रणाम कर लूंगी, उसके बाद मैं अपने भक्ति में आके उसके बाद मुझे पसंद ही नहीं आएगा जबरदस्ती काम कर लूंगी, ऐसे थोड़ी होता है। और मैं अपने सारे मॉडल दोस्तों से और जो मेरे सीनियर आर्टिस्ट हैं सब लोगों से एक ही विनती है कि हक के साथ करना है, हक के साथ लड़ना है और अपना काम से सब कुछ जीतना है। कुछ कुछ ऐसे मॉडल है ना कि इंडस्ट्री को ख़राब कर चुका है, जिसका भुगतान हम सबको भुगतना पड़ता है। आप मुझे बोल रहे हो राजा बाबू कि आप मुझे पटना नहीं रहने दोगे, तो क्या पटना आपने मुझे बुलाए थे? या एक अकेली लड़की देख के और सब लोग मिलके एकदम सोच लिए है कि वो इसके साथ ऐसा करना है? मुझे पता है कि आज ये लाइव आने के बाद मैं कुछ कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा दुश्मन बन चुकी हूँ, अब बन गई हूँ। एफ आई आर क्या करना है?
बोलता है ना, बिहार है बेटा, रहने नहीं देंगे, क्या करेंगे, रोड पर से जाएंगे तो गोली मार देंगे ज्यादा से ज्यादा। बोलबम के टाइम आप एक दिन में खड़ा करके दो दो तीन तीन गाना करवा देते हो। मधु इसलिए बोलती है ना दो ही गाना करेंगे क्योंकि मधु का प्रेशर से शायद दो ही गाना हो और दो ही गाना अच्छा हो जाए, अच्छे से काम दिखे। कट टू कट काम होता है तो गाना अच्छा निकलता है। राजा जाई ना बहारी, हम लोग फुल डे हाफ नाइट मिला के काम किए थे। हाँ जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता है, जो शो अप कर देती है वो लोग, आप लोग और कम पैसे में काम करती है और शो अप करती है जाके, वो लोग बहुत अच्छे हैं। वेस्टर्न ड्रेस मतलब शॉर्ट कपड़ा होना जरूरी होता है। क्या बिना बॉडी का नुमाइश का गाना शूट नहीं हो सकता है? या वेस्टर्न पहनने का भी तरीका होता है? ऑब्वियसली जिस गाने के साथ जो ड्रेस शूट करता है वो पहनना चाहिए। लेकिन भाई आप अपने कंफर्टेबल जोन से हटके नहीं ना काम करवाओगे अगले को। ये मधु 3.5 पेमेंट लेती है इसीलिए मधु बहुत खराब हो गई है आज, नहीं तो हाँ वो काम करना है और अच्छे से गाना करना है। सुन लो गाना, सोच लो गाना, जब काम करवाना रहता है तो बाबू बेटा होता है। पेमेंट के टाइम अगर बहन को भी माँ माँ उठा के गाली दे दी है। मुझे किसी के सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं सबके हक की बात किया हूँ। और ये अगर जो मॉडल लोग देखेंगे वो बोलेगी, किसी के मजबूरी होता है काम करना और उस मजबूरी का फायदा उठाते हो आप लोग। अगर आप दोनी वाला किसी को खाने को नहीं दे सकते हो तो किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने का हक नहीं रखते हो आप। इधर का चीज उधर करना, उधर का चीज उधर करना, इसका चर्चा उधर जाके, उसका चर्चा उधर जाके, क्यों? और मैं ए ग्रेड में आती हूँ, बी ग्रेड में आती हूँ, सी ग्रेड में आती हूँ, डी ग्रेड, आप बोलते हो ना सात जात होता है। बहुत अच्छे से मैंने आपका लाइफ सुना, अब खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या बोलोगे। सबके साथ लड़ाई करते रहते हो आप और आज इस लड़ाई का शिकार मधु भी हो गई क्योंकि मधु ने पेमेंट मांग लिया।
मधु ने हर गाना सोचती है उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है वो खुद भी उसके ऊपर सोचता है, और बहुत सारा वीडियो डायरेक्टर बहुत सारा सिंगर भी ये चीज़ जानते हैं। अगर सिंगर लाइन अप करते सिंगर को भी मैं बोलती हूँ कि गाना भेज दीजिए, उसको मैं एक बार सुन लेती हूँ। महेश राणा जी आप बोल रहे हो पुलिस का सहारा लेंगे, क्या करेंगे सर पुलिस का सहारा लेके, यहाँ में सब अपने में ही गुंडा है, पुलिस को ही कुछ नहीं कर पाएंगे। पता चला पुलिस का सहारा ले लेंगे क्या, मेरा मम्मी पापा बेसहारा हो गया। यहाँ पे सब अपना सोचते हैं, अब दूसरे मॉडल के बारे में बोलते हो कि वो इतना पतली है तो उसको काम काम मिल जा रहा है। बॉलीवुड उठा के देखिए ना, फिगर फिगर अब जो वो करते हो अब से कई गुना बड़े बड़े कोरियोग्राफर है उन लोगों, जो ओरिजिनल कोरियोग्राफर होता है ना, जो काम के प्रति श्रद्धा रहता है ना, वो ऐसे लैंग्वेज कभी नहीं यूज कर सकता है। वो एक गार्जियन की तरह कोई चीज बुरा लगे तो समझा सकता है, बाकी सेट में क्या क्या नौटंकी होता तो वो तो बोलना ही नहीं है। तब तो अगले का नेचर और मेरा नेचर में तो कोई फर्क ही नहीं रह गया। आप जितना करवाना चाहते हो उतना मैं करती हूँ। आप लोग एक ही स्टेप बार बार देते हो तो मैं बोलती हूँ ये स्टेप भैया पहले हो गया, अब दूसरा स्टेप चेंज करो। मैं कोशिश करती हूँ उस चीज़ को करने का। गाना वीडियो निकालने के बाद ज़्यादा हॉट ना दिखे, जितना ज़रूरत होता है उतने भर का ही काम हो, वो चीज़ का फॉलो करती हूँ मैं। क्या ये सब बुरा करती हूँ मैं, या मैं भोजपुरी से प्यार नहीं करती हूँ? खाली आप ही अकेला भोजपुरी से प्यार कर दो इसीलिए मुझे 3.5 पेमेंट नहीं लानी नहीं चाहिए। यही सब चीजों के वजह से ना कोई साधारण लड़की सोचेगी भी नहीं इस इंडस्ट्री में आने का, जिसके पास रेफरेंस नहीं है, जिसके पास बड़े हस्ती का हाथ नहीं है, वो काम ही नहीं करेगी इसके मतलब। म्यूजिक वाइट कंपनी का एक नया कंपनी जिसका मैंने गाना किया उसके ऊपर वर्क किया हम लोग पूरा टीम वर्क किए, हम 2.5 दिन बैठ के उसका स्क्रिप्ट रेडी किए। विश्वास नहीं होता है ना, मैं शो करवाती हूँ एक बार, मैं झूठा बात तो बोलना ही नहीं चाहती हूँ। 11/7/20 की बात है ये, मतलब 11 जुलाई की बात है ये। राजा तनी जाई ना बाहरी अब मेरे पास गाना आया, और मैं बैक कैमरा करके एक बार दिखाती हूँ। मैं इस गाने का पूरा चीज वो रेडी किया, मैंने ये पूरा सीन रेडी किया, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये इस चीज को लेके मैं डिस्कशन किया मेरे साथ मेरे को एक्टर्स राकेश मिश्रा जी के साथ,
जो ये गाने को गाए हैं। कैमरामैन के साथ, वीडियो डायरेक्टर, कोरियोग्राफर के साथ। आप लोग बोलते हो क्या कर देते हो, तुमको एक दिन में एक गाना दे देते हो, तुम करके दिखाओ। तो आपको अब खुद अपने स्वाभिमान पे झक के सोचो कि मधु कितना हेल्प करती है कितना हेल्प नहीं करती है, और मधु वर्क करती है ओरिजिनली या नहीं करती है। करेंगे 2500 में, 2500 में काम करेंगे हम लोग। स्पॉट में जाने के लिए गाड़ी दे दीजिए, सारे सारे आर्टिस्ट को गाड़ी मिलना चाहिए। आर्टिस्ट मतलब क्या, रोड सब आदमी दिन भर थकेगा काम करेगा और रोड पर से ऐसे ही जाएगा। जो कैमरे में दिखता है वो खुलेआम अगर मार्केट में ऐसे ही घूमे तो कैसा है आर्टिस्ट। और ये तो भोजपुरी के लिए बहुत अच्छी बात है कि सिंगर लोग फॉर्चूनर से आते जाते हैं। आप अच्छा काम करो, आप पेमेंट मांगो, वैसा भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए मधु को ही बैकआउट करने का जरूरत है। मधु पेमेंट मांग लिया इसीलिए, कोई आज तक नहीं मांग पाई इसीलिए। और ये सब के बाद भी अगर मॉडल लोग डरता है ना, बोलेगा ही नहीं कोई, इतना गार्ड्स लेके बोलना सबके बस की बात तो है नहीं। लेकिन सबसे ये की विनती है कि अपना हक से कभी पीछा मत हटो। अकेला एक लड़की पाके अब लोग धमकाते हो कि रहने नहीं देंगे बेटा। क्योंकि आज तो वो पेमेंट मांग ली, सबसे हाई पेमेंट हो गया। आपसे मैं मांगी, आपका काम तुम्हें कब का करके आई? कल जाके शाम को मांग ली और अब रात तक लाइव आ गए, वाह। और काम करवाने के टाइम बोले भैया मैं इतना पेमेंट लेती हूँ, तो बाबा भाई ना है अब तुम्हारे, मेरे लिए इतना भी नहीं कर दोगे, तब भाई हो गया। और आप उस बैंड को आज गाली दे रहे हो, वाह, दिमाग ठीक है ना भैया, दिमाग ठीक है ना भैया आपका। और